फाइनली अब फतेह और तेजो की 6 साल बाद दिखेगी बहुत ही प्यारी सी बॉन्डिंग। फाइनली फैंस को मिला सुकून कि अब भी है फतेह इस शो में और शो अभी नहीं हो रहा बंद। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। जी हाँ, अब ऐसा ही लग रहा है कि ये शो बंद नहीं होगा। हालांकि तब भी कंफर्मेशन नहीं थी और अब भी कंफर्मेशन नहीं है कि आगे शो में क्या होने वाला है, क्या सच में शो बंद होगा। पर कोई नहीं, फिलहाल तो मेकर्स ने बहुत ही अच्छा प्लान कर लिया है ऐसा अब लग रहा है। क्योंकि जब आप उड़ारियां देख रहे होंगे कल, तो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको एक फ्रेश स्टोरी दिखी होगी। क्योंकि आप सबने देखा ही था कि कैसे जो है वो बड़ी ही फ्रेश स्टोरी नज़र आती है, दरवाज़ा खुलता है और बड़ा ही अच्छा सा बैकग्राउंड होता है। यहाँ पर जो फतेह और तेजो की है वो प्यारी सी बॉन्डिंग नज़र आती है, ऐसा लगता है काफ़ी मेच्योर कपल हो चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी मेच्योर कपल नज़र आ रहे हैं फतेह और तेजो। 6 साल की बच्ची के मॉम डैड बन चुके हैं फतेह और तेजो, और तेजो जो है वो बहुत सुंदर लग रही है, साड़ी में उसका लुक आ गया है। तो वहीं पर फतेह जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हस्बैंड की तरह नज़र आ रहा है। तो बड़ा ही प्यारा सा अब जो है वो सिचुएशन आ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है कहानी बहुत ही फ्रेश हो गई है। अगर आप अब देखेंगे तो आपको कहानी बहुत फ्रेश नज़र आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से वही चीज़ें चल रही थी, जैस्मिन की साजिश, वही सारी सिचुएशन, लेकिन अब सब कुछ बदला सा नज़र आने वाला है। और आप सबने उसकी झलक देखी भी कि किस तरीके से फतेह और तेजो दोनों साथ नज़र आ रहे हैं। फैंस को तसल्ली मिली कि भाई फाइनली जो है वो फतेह तो कम से कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई जो प्रोमो है उसमें तो फतेह दिख नहीं रहा है, तो क्या फतेह ने शो छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर फाइनली फतेह जो है वो दिख रहा है। फतेह और तेजो की प्यारी प्यारी बॉन्डिंग आप सबको देखने को मिलने वाली है, बहुत ही प्यारा सा इन लोगों का रोमांस आप सबको देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ किस तरीके से फतेह और तेजो नेहमत का ख्याल रखने वाले हैं ये भी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ जैस्मिन से जो डर है तेजो को, उस डर को भी ख़त्म करने वाला है फतेह पूरी तरीके से। और साथ ही साथ जो जैस्मिन है उसकी भी वापसी होने वाली है। अब उसकी वापसी कैसे होने वाली है, किस तरीके से फतेह और तेजो के सामने आएगी जैस्मिन, क्या नई प्रॉब्लम लेकर वो आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल नेहमत पर पूरा फोकस है फतेह और तेजो का। पूरे घर वाले जो है वो नेहमत को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और घर का माहौल जो है वो पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, काफ़ी सुकून में है सारे लोग। और फतेह और तेजो को देखकर तो फैंस को एक तसल्ली मिली और साथ ही साथ दोनों बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं। और देख लीजिए, जो फतेह है वो पहले से भी ज़्यादा रोमांटिक हो गया है। जी हाँ, एक मेच्योर कपल की तरह दोनों नज़र आ रहे हैं। और फतेह को देखिए भाई, तेजो उसे टाइम नहीं देती है और ये बात वो बोल चुका है और कहता है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, हर वक्त जब देखो तब नेहमत, बच्चा, ये वो, और तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती हो। और फिर यहाँ पर बीच बीच में उसका रोमांस करने का मन होता है, लेकिन तेजो जो है वो उसे मना कर देती है और फिर यहाँ से वो बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के बाद चली जाती है। और अब नेहमत का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, बर्थडे सेलिब्रेशन में पूरी तरीके से तैयारी की गई है और फिर यहाँ पर नेहमत का बर्थडे हुआ। लेकिन इस बर्थडे के दौरान तेजो ने जो देखा उसे देखकर वो एक बार फिर से बहुत परेशान हुई है। उसने देखा कि नेहमत जो है वो चोरी करती नज़र आई है, तो बस उसका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ पर गया कि ज्योतिषी ने कहा था कि ये बच्ची अपने बाप पर जाएगी, तो उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बच्ची जो है वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही है। ये सारी चीज़ें वो देखती है और बहुत परेशान होती है। तो फतेह उसे संभालने वाला है और फतेह जो है वो इस बात को श्योर करने वाला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और दोनों मिलकर नेहमत को संभालेंगे। लेकिन अब कहानी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।